हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कंटिन्यू। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें सिर्फ मोस्ट रिएक्शंस की बात करनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आई एम श्योर जितने भी 2 या 3 शॉट बनने वाले हैं ये उसमें से ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड में एक टॉपिक और था जिसमें एक तो है डीहाइड्रोजनेशन एंड द सेकेंड इज़ हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। एल्कोहल से हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अल्कोहल है वो होता है अपने पास तीन टाइप का। एक तो होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। तो इसमें से जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स में से, ये लिखा हमने 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, कॉपर और 573। तो ध्यान रखना कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या करता है, डीहाइड्रोजनेशन मीन्स एक तो यहाँ से एच रिमूव होगा, दूसरा ऑक्सीजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनने वाला है, देखो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऊपर से हाइड्रोजन और एक यहाँ नीचे से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन गए, एक ये वाला हाइड्रोजन दूसरा ये हाइड्रोजन। अब क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब एक H तो है गया यहाँ पर और दूसरा यहाँ से भी H गया, यहाँ से भी H, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब एक क्या बनने वाला है, पाई बॉन्ड। और ये क्या बना, एल्डिहाइड। तो वी कैन राइट 1 डिग्री अल्कोहल, इस 1 डिग्री अल्कोहल के डीहाइड्रोजनेशन यानी H2 के रिमूव होने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, वी हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमने लिखा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का भी क्या करवा रहे हैं, वी हाइड्रोजनीकरण यानी कि डीहाइड्रोजनेशन। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल जब H2 रिमूव करेगा तो सेम कंसेप्ट आने वाला है, कॉपर और ये आएगा 573। तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखो एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, 2 H रिमूव हो गए। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ये आएगा O एंड देन CH3। इसे हम क्या बोल देते हैं, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कीटोन। अब ऐसे ही 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में ये आने वाला है CH3 कार्बन, यहाँ लिखा हमने CH3 CH3 और ये लिखा OH। ठीक है, इस बार क्या होने वाला है, फिर दोबारा से कॉपर एंड 573। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ से तो H जा सकता है लेकिन इस काले कार्बन के पास क्या नहीं है, H नहीं है। तो इस बार H2 रिमूव हो ही नहीं सकती। देखो एक बार दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ से H गया, ये H और O वाले कार्बन इस वाले से H गया। सेम यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से गई और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ से गई। नेक्स्ट एक H तो यहाँ से जा सकता है लेकिन इस कार्बन के पास H नहीं है। सो इन दिस केस कॉपर है, 573 है, तो क्या होने वाला है, H2 रिमूव नहीं होगा इस बार। इस बार यहाँ से रिमूव होगा H2। अब ये H2 रिमूव कैसे होगा, देखो एक तो हम बोलेंगे OH जाएगा और OH जिस कार्बन से जाएगा वो तो हो गया अल्फा कार्बन, तो इसके पास वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन बीटा। इसे भी बीटा बोल सकते हो, इसे भी बीटा बोल सकते हो। OH तो गया अल्फा से, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं दोबारा पीछे लिखती हूँ, यहाँ लिखा हमने CH3 कार्बन, ये फिर दोबारा से CH3 एंड देन CH3। इसके बाद यहाँ पे क्या है, OH, तो OH के पास तो H है लेकिन इस कार्बन के पास क्या नहीं है, H नहीं है। सो रिएक्शन कैसे होगी, ये OH यहाँ से जाएगा, ठीक है। OH वाले कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा, तो इसके नेक्स्ट वाले को हम बोल देंगे बीटा। कॉपर 573 ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा, H और OH डिहाइड्रेशन से क्या बनने वाला है, CH3 कार्बन CH3 और ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, एल्कीन। अब इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट है ये 1 डिग्री अल्कोहल, इससे तो क्या बना था,
एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल, इससे क्या बना कीटोन, और ध्यान रखना 3 डिग्री में ना तो एल्डिहाइड बनने वाला है ना कीटोन बनेगा, 3 डिग्री में ना एल्डिहाइड ना कीटोन बल्कि क्या बनता है एल्कीन। ठीक है, ये हो गया अपना एल्कीन से ने अल्कोहल से। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिपरेशन मेथड में, एक और है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन और एल्काइन से। तो नेक्स्ट मेथड क्या है एल्कीन, इसमें एल्कीन का मैकेनिज्म का नाम क्या है, हेडिंग का नाम ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। कैसे होगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने किससे, ओजोन से। एक बात याद रखना, ब्रेक द डबल बॉन्ड एड द ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन को जोड़ो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर CH2, फिर अगेन हमने क्या लिखा CH2। अब इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब समानता का अधिकार, दोनों को एक एक दी, कितनी रह गई 1 ऑक्सीजन, ये हमने यहाँ ऐड कर दी। अब तीनों ऑक्सीजन क्या बना देंगी, ये बन गया टेम्पल। इसके बाद यहाँ पे होने वाला है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होगा, पहले तो H2O लिखा हमने, अब ये H2O जो रिएक्शन करेगा वो देखो ऐसे होगी रिएक्शन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन जाएगी इसके पास, ये वाली ऑक्सीजन गई दूसरे के पास, और क्या बन जाएगा देखो, ये बना CH2O, इधर से ये बना CH2O, तो यहाँ बन जाएगा 2CH2, और ये क्या बन गया O, दोबारा से CH2O क्या होता है देखो C, ये H, इधर भी क्या है यहाँ पर H, और ये क्या है डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे 2। अब 1 ऑक्सीजन रह गई यहाँ पर ये वाली, इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए बस डायरेक्ट याद रखना कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं जिंक, तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, जिंक एंड H2O। वन मोर एग्जांपल, हमने लिखा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, ओजोन से, O3, तो मैंने कहा डबल बॉन्ड को तोड़ो ऑक्सीजन को जोड़ो, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH, डबल बॉन्ड नहीं लगाना ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, CH2 कितनी ऑक्सीजन है 1 2, और ये क्या हो गया यहाँ पे 3। इसके बाद दोनों ये सब रिएक्शन कर लेंगे, बॉन्ड बन गया, एंड देन ब्रेकिंग, 1 ऑक्सीजन दो LHS वाले कार्बन को, 1 ऑक्सीजन हमने दे दी RHS वाले कार्बन को, ठीक है, और जिंक की प्रेजेंस में क्योंकि वो ऊपर वाली ऑक्सीजन रह गई, अरे चलो ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3, देखो ये लिखा हुआ है ये CH3, इसके बाद कौन है यहाँ पर CH, तो हमने लिखा CH3 CH, और कौन है O, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, प्लस ये दूसरा प्रोडक्ट कौन है CH2O, और CH2O को हमने अभी लिखा था, क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो यही सेम प्रोडक्ट ये CH2O। इसके बाद चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो कि जिंक यहाँ पर किससे रिएक्शन करेगा O से, एंड दिस विल फॉर्म ZnO, तो एक प्लस में प्रोडक्ट ऊपर भी आ जाएगा ये ZN प्लस O ZnO, ठीक है, ये हुआ एल्कीन से। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम एल्काइन, तो एल्काइन की बात करते हैं, डायरेक्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एल्काइन में HC ट्रिपल बॉन्ड, और ये लिया हमने CH, इसे बोलते हैं हम इथाइन, और हिंदी में बोलते हैं एथाइन। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किससे, वाटर से, एंड द वाटर मींस एच पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब है ना यहाँ पे भी CH है, यहाँ पर भी CH है, कौन कहाँ पर ऐड होगा, तो एक पर तो हम करवा रहे हैं ऐड किसको, एच को, कार्बन पर है ये डबल बॉन्ड पे लग गया, एक सेकेंड, यहाँ पे एक एच तो जाएगा इस वाले कार्बन के पास ओहो, और दूसरा OH जाएगा दूसरे कार्बन के पास, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती हूँ, ये H कार्बन पे शो करना है, यहाँ पे क्या बनेगा देखो CH तो पहले से ही था ये CH, और इस पर क्या आ गया H और आ गया, तो ये बन गया CH2, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, एंड देन ये कौन है यहाँ पर CH, हमने लिखवा इसको एज इट इज CH, और इस कार्बन के पास कौन बॉन्ड बनाएगा OH, तो इसे लिख दिया OH। अब ऑक्सीजन को क्या है, ऑक्सीजन को होती है कि भाई मैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाऊँगा, अगर मैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग कैसे होगी, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ से किसके पास ऑक्सीजन के पास,
कार्बन के पास, जैसे ही कार्बन के यहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे तो पहले से ही कार्बन के चार बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनते ही कितने हो जाएंगे, पाँच, यानी अनस्टेबल। तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, CH2 के पास। अब CH2 के पास जैसे ही बॉन्ड गया, हम ऐसे शिफ्टिंग करते हैं बॉन्ड की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, Cl पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही CH2 पे नेगेटिव। इस नेगेटिव की बॉन्डिंग किससे हो जाएगी, इस वाले H से, और H से बॉन्डिंग होने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ बना रहे हैं सी एच और ये बना थ्री सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सी, ये एच, और आगे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही सेम रिएक्शन करते हैं एक बार कीटोन की। तो हमने लिखा है यहाँ पे कीटोन, सॉरी कीटोन तो बनाना है, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या हो गया CH, इसकी रिएक्शन करवाई सबसे पहले हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से। अब ये रिएक्शन होने कैसे, देखो तुम्हें बस ये याद रखना है कि कहाँ H आएगा कहाँ OH। इस बार एल्काइन अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक मीन्स यहाँ C और यहाँ पे कौन है CH, तो ये जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव लॉ H कहाँ जाता है, H वहाँ जाएगा जहाँ उस ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पे जाता है जहाँ पे उसके भाई बंधु ज़्यादा हों। इसको तो देखना ही नहीं है CH3 वाले को, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से कहीं पर एक पर H जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो ये H जाएगा किसके पास, इधर वाले CH के पास, OH दूसरे वाले कार्बन के पास, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस C पे आने वाला है कौन OH, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और CH से क्या हो गया CH2। फिर अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है कार्बन के साथ, इस वाले बॉन्डिंग की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ और ये पाई बॉन्ड इधर से इधर, क्या बनेगा, इसके बाद बन जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बना C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो गया CH3। तो हमने क्या देखा कि इथाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं, कि अगर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं C2H2, और C2H2 क्या होता है, इथाइन होता है। अगर हम इथाइन की रिएक्शन करवाएंगे तो बना था एल्डिहाइड, इससे जस्ट पहले था, आई विल शो यू, ये रहा इथाइन, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड बनाती है, और इसके बाद अगर हम करवा रहे हैं, ये लिखा मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड, और अगर मैं प्रोपाइन की रिएक्शन करवाती हूँ, ये लिखा हुआ है प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3 और H कितने हो गए 4। तो अगर मैं करवा रही हूँ रिएक्शन C3H4 की प्रोपाइन की, तो क्या बनेगा कीटोन। ठीक है, ये अपने प्रिपरेशन मेथड हो गए फाइनली, और अब हम बात करते हैं किसकी, जो केमिकल रिएक्शंस में सम अदर रिएक्शंस थी उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे और कौन से कैनिजारो। तो तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो एग्जांपल ही पूछ लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड है CHO, ठीक है, अब ये भी यहाँ पे भी लिखा हमने एल्डिहाइड CHO, दिस इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फ़ा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इस अल्फ़ा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, दीज आर कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 3। तो जिनके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देंगे, एल्डोल रिएक्शन देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले क्या देने वाले, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट हाइड्रोजन लिखा, तो एल्डिहाइड तो ये ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। जब कार्बन ही नहीं है अल्फ़ा कार्बन, तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना, अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और कौन सी एग्जाम्पल हैं। इस बार मैंने लिखा यहाँ पर कीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो यहाँ पर CO ग्रुप तो क्या हो गया कीटोन, ये कार्बन क्या हो गया अल्फ़ा, ऐसे ही सेम ये भी कार्बन क्या हो गया अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ऊपर वाले कंपाउंड तो कौन सी रिएक्शन देंगे, एल्डोल। अब इसकी बात करूँ यहाँ पर और कौन सी एग्जांपल हैं, एक तो हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम मीथेन प्लस अल, मीथेनल भी बोलते हैं IUPAC, और यहाँ पर लिखा मैंने बेंजीन।
इस बेंजीन के पास ये वाला हमने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, कौन सा? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप तो है, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप तो है, और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हुआ? एक सेकेंड, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। लेकिन काउंट करो, इसके पास तीन बॉन्ड तो यहाँ बेंजीन में बने हुए हैं, एक सिग्मा दो पाई, सॉरी दो सिग्मा एक पाई, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन तो बोल रहे हैं हम, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो यहाँ भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो तुम्हें तो बस याद रखना है कैनिसारो रिएक्शन कौन देगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। एक हुआ फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा कौन सा हुआ? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें से पहले कैनिसारो रिएक्शन। तो कैनिसारो रिएक्शन में होना क्या है, दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिंपल कैनिसारो और एक होती है क्रॉस कैनिसारो। सिंपल कैनिसारो का मतलब है हम दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे और दोनों सेम होंगे, और अगर क्रॉस की बात करोगे तो दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, उसे हम बोल देंगे क्रॉस। अपने सिलेबस में सिंपल कैनिसारो है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल कैनिसारो। एक बात और याद रखो इसमें, जो एल्डोल रिएक्शन है वो ऐसे याद रखना, एल एल मीन्स डाइल्यूट, किसकी प्रेजेंस में होगी? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, तनुक्षार, डाइल्यूट को बोलते हैं तनुक्षार, और ये डाइल्यूट है। और यहाँ बात करोगे कैनिसारो, तो सी से याद रखो, सी वाले में क्या आएगा? कंसनट्रेट। कंसनट्रेट का मतलब है सांद्र, तो ये होती है कंसनट्रेट बेस की प्रेजेंस में, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, और एल्डोल से एल यानी कि डाइल्यूट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैनिसारो पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, वन मोर मॉलिक्यूल, चाहे कैनिसारो हो चाहे एल्डोल, दोनों में दो दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। तो ये हमने दो मॉलिक्यूल लिखे, किसकी प्रेजेंस में होगी? अभी लिखा था हमने कैनिसारो में, क्या आने वाला है यहाँ पे? कंसनट्रेट NaOH, है ना, कंसनट्रेट बेस लेते हैं यहाँ पर। अब इस रिएक्शन में होना क्या है, देखो इस रिएक्शन में एक का तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी और क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये पहले से ही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। तो एक एल्डिहाइड का तो क्या होना है? ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होना है? अपचेन, रिडक्शन होना है, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, पहले से ही कितनी हाइड्रोजन है? दो, एक और आ गई, तो क्या बनेगा? CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगाओ नहीं लगाओ कोई इशू नहीं, ये OH मिलके क्या बन गया? OH, ठीक है। तो एक का तो हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे का हुआ रिडक्शन, एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचेन। नेक्स्ट इसी में ही हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये लिखा हमने बेंजीन। अब बेंजीन के भी दो मॉलिक्यूल आने हैं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा? ये ओ है, ये भी क्या करेगा? कैनिसारो रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल? दो, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ इस बार। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होनी है? तो रिएक्शन तो सेम वही आएगा, कौन? कैनिसारो से सी, और सी से क्या याद रखोगे? कंसनट्रेशन, सॉरी कंसनट्रेट बेस। देखो क्या होगा यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो वही सेम, दोनों सेम ही है, एक का होना है ऑक्सीडेशन, एंड द ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इस वाले का एक काम करा देंगे रिडक्शन। क्रॉस भी होता है, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने ओ, तो ये क्या बनेगा? बेंजीन, इस बेंजीन के साथ आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये पहले से ही था, बस यहाँ पे एच के प्लेस पे कौन आ जाएगा? OH, एल्डिहाइड से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या होगा? इसका रिडक्शन होना है, तो ये वाला बन जाएगा प्लस, लिख रहे हैं, बेंजीन तो सेम ही रहेगा, इसके बाद ये कार्बन एक एच पहले से ही था, एक एच ये आ गया, तो ये क्या बन गया? CH2, और क्या बनेगा? OH, इसे बोलते हैं हिंदी में बेंजिल अल्कोहल और इंग्लिश में बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल। बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गई अपनी कैनिसारो रिएक्शन। अगर तुम क्रॉस कैनिसारो की बात करोगे तो इसमें दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या होंगे?
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन इस बार क्रॉस है, क्रॉस मतलब हमने दोनों अलग अलग ले लिए। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है फॉर्मल्डिहाइड की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इससे पहले वाला लेक्चर था। तो ध्यान रखना, ये एच दोनों स्मॉलर ग्रुप हैं, इनके पास तो कौन आ जाएगा ऑक्सीजन, और इनके पास कौन आएगा हाइड्रोजन, यानी फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। हमें कैसे पता किसका ऑक्सीडेशन होना है अगर दोनों अलग अलग हों तो? जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो तो ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और दूसरा वाला एल्कोहल। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन, एक का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक क्रॉस। पहले बात कर लेते हैं सिंपल वाले की, इसमें क्या होना है। देखो, इस बार एल्डोल रिएक्शन में हम ले रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस वाले, यानी कि सी एच थ्री, ये लिखा सी एच डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, फिर लिखा हमने यहाँ पर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ। एल्डोल से एल यानी किसके प्रेजेंस में होगी, तो हमें पता ही होने वाली है डाइल्यूट बेस। ठीक है, डाइल्यूट बेस कोई भी एन यू एच। अब तुम्हें मैं डायरेक्ट बताती हूँ, याद रखना, यहाँ पे ये ओ एच है, ओ एच मतलब होता है बेस। तो ये बेस क्या करेगा, एसिड तो एच प्लस देते हैं, लूज कर देते हैं, और बेस क्या करेगा, एच प्लस ले जाएगा। कौन सी वाली एच, जो अल्फा वाले के पास होगी। तो इसके पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो क्या करोगे, कहीं से भी एक एच को रिमूव कर दो। एक बार यहाँ से कर सकते हैं, और सेम यहाँ पर है तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसका मतलब हम कहीं से भी क्या रिमूव कर दें, एच। अब एक बात सुनना, इस वाले ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, सी एच थ्री वाले की, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसी साइड में। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये सी एच थ्री है, इसमें से एक एच को रिमूव कर दूँ, एच सी एल है, एच सी एल में से अगर एच प्लस चला जाए तो क्या बचेगा, सी एल माइनस, ये एच प्लस तो गया है ना। ऐसे ही सेम यहाँ बात कर रहे हैं, सी एच थ्री है, इसमें से एक एच गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी एच टू माइनस। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एच प्लस गया, और नेगेटिव वाला बॉन्ड किससे बनाएगा, इस दूसरे कार्बन से। तो ये लिखा हमने यहाँ पर, ये नेगेटिव, और इसकी बॉन्डिंग होने वाली है इस कार्बन से, क्या बनेगा, देखो यहाँ बना देते हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, इस सी के साथ कौन है यहाँ पर, एच, फिर यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, ये बना ओ। अब इस ओ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले की बॉन्डिंग किससे होनी है, यहाँ से जो एच गया है ना, वो एच यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जो एच गया वो यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये ओ एच। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सी प्लस है, तो प्लस वाले की बॉन्डिंग होनी है इस माइनस वाले से, क्या बनेगा, सी एच टू, और ये सी एच। दोबारा देखो, ये सी एच थ्री एज इट इज, ये सी एच एज इट इज, डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड, ओ नेगेटिव, नेगेटिव वाले की बॉन्डिंग होनी है पॉजिटिव से, ये ओ एच। इस प्लस का बॉन्ड बनेगा सी एच टू माइनस से, क्योंकि एच चला गया था, सी एच टू एंड एस एच ओ। इसके बाद क्या करना है, हीट कर दोगे, तो हीट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से तो जाएगा ओ एच, और यहाँ से चला जाएगा एच, और ओ एच और एच के जाते ही इस वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, देखो सी एच थ्री, फिर ये क्यों नहीं यहाँ पर सी एच, और यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। ठीक है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड, ये क्या है यहाँ पर सी एच सिंगल बॉन्ड, देखो फिर ये सी एच ओ, तो ये वाला ग्रुप सेम सी एच। अब देखो, इसे तो हम क्या बोलते हैं, इसे तो हम बोल देंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये ऑल ओ एच ग्रुप, तो इस वाले कंपाउंड का नाम होता है एल्डोल। एल्डिहाइड भी है यहाँ पर और एल्कोहल भी है, और इसको क्या बोलोगे, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन क्या हो गया अल्फा, इधर वाला क्या हो गया बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त, जिसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, ये लिख लेना अनसेचुरेटेड, आगे क्या आएगा एल्डिहाइड।
ठीक है। ऐसे ही सेम एक कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा मैंने यहाँ पर एग्जांपल सेकंड कीटोन। जब कीटोन की रिएक्शन कराएंगे कौन सी वाली एग्जांपल सेकंड, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या रह गया CH3, ठीक है। फिर दोबारा से वही आया कौन, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस, और ये जो NaOH है वो क्या करेगा, बेसिक नेचर है, H ले जाएगा। कहाँ से H ले जाएगा, अल्फा। तुम कहीं से भी, चाहे इस वाले CH3 से या इस वाले CH3 से, कहीं से भी H रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया यहाँ से H रिमूव, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से हम H रिमूव करेंगे तो इस CH3 पे एक तो रह जाएगा CH2, और चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ढूंढ रहा है, भाई कहाँ है पॉजिटिव, तो इसके पास में यहाँ पर ये नेगेटिव और ये क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। ये CH3 यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या करेगा देखो, हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा C, सिंगल बॉन्ड ये O, O नेगेटिव है, ये वाला O नेगेटिव है, तो इसे क्या चाहिए, H। यहाँ से जो H गया वो यहाँ आएगा, क्या बनेगा, OH, ठीक है। अब इस प्लस की बॉन्डिंग किससे होनी है, माइनस से। कहाँ है माइनस, ये आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो CH3 था जो CH2 माइनस में चेंज हो गया, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग CH2 से होने वाली है, ये लो। अब तुम कहोगे कि CH3 कहाँ गया, तो ये बीच में आ रहा है CH3, इसे हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एंड द रिमेनिंग ग्रुप विल रिमेन एज इट इज CO CH3। उसके बाद तो कुछ नहीं, हमने इसे हीट किया, हीट करने पर यहाँ से कौन जाएगा, एच, और यहाँ से कौन जाएगा, OH, एच और OH कौन बाहर, H2O, और H2O के जाते ही क्या बना, देखो यहाँ लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक सेकेंड इसको मैं पीछे लिख देती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लिखा हमने CH3, देखो एक बार चेक करते हैं, CH3 कार्बन, CH3 OH गया, H गया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ CH, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ कौन आएगा, CH, फिर इसके बाद यहाँ पर CO CH3, ये वाला ग्रुप एज इट इज़, तो ये रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH3, ठीक है। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये अपनी रिएक्शन हुई एल्डोल। तो एल्डोल के निज़ारों दोनों डिस्कस हुई। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें इम्पॉर्टेंट तो एक ही रिएक्शन है, बस उसी को डिस्कस करते हैं, और वो कौन सी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें प्रिपरेशन मेथड में ये लिखा हमने यहाँ पर CH3MgBr, और इसकी रिएक्शन किससे होनी है, CO2 से, और फिर हम क्या करा देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, कौन से मीडियम में, एसिडिक, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस यही देखना है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं सॉल्व, यहाँ लिखा मैंने CH3MgBr। अब तुम एक बात ध्यान रखना कि इस CH3MgBr की जब हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, CO2 से, तो एक तो नेगेटिव पॉजिटिव का बनना, देखो कैसे बनेंगे, Mg होता है प्लस, तो CH3 माइनस, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन होनी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा देखो, ये नेगेटिव वाला बॉन्ड बनाएगा किससे, CH3 बॉन्ड बनाएगा C से, तो जब CH3 C से बॉन्ड बनाएगा तो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस C का ऑलरेडी बॉन्ड ये वाला किससे बना हुआ है, डबल बॉन्ड O से, तो इसे हमने लिखा ऐसे, एक O ऑक्सीजन यहाँ पर भी है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड हो गई है, तो यहाँ पे लिखा हमने सिंगल बॉन्ड O, O पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस नेगेटिव वाले की बॉन्डिंग MgBr से, तो ये बना Mg, और यहाँ पे क्या हुआ, Br, ठीक है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद कुछ नहीं, हाइड्रोलाइसिस, HOH, O नेगेटिव होता है तो इसको चाहिए H, यहाँ लिख दिया हमने OH नेगेटिव, क्या बनेगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, और प्लस यहाँ लिख रहे हैं हम Mg, इसके साथ क्या आएगा, एक तो आ जाएगा यहाँ पर Br, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर OH, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखो
अगर इस चैप्टर में कुछ रह गया तो एक तो है नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम एसिडिक नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, उसके नेचर को 2 और 3 रिएक्शन किसकी आने वाली हैं, एसिड की। और एक एल्डिहाइड कीटोन के लिए टॉलेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे वीडियो 30 मिनट तक बनानी है जिससे लेंथी वीडियो ना हो। एक वीडियो हमने इससे पहले बनाई थी, एक ये 30 मिनट की, एंड लास्ट 30 मिनट वीडियो और आएगी और एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो को कल डिस्कस करेंगे।